जय श्री कल्कि भगवान। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। संतन के सुख करण को हरण भूमि को भार, कलयुग के अंत में निष्कलंक कल्कि अवतार। ये पंक्तियाँ आज से 300 साल पहले संत मावजी द्वारा लिखी गई। राजस्थान में संत मावजी की भविष्यवाणियाँ बहुत अधिक प्रचलित हैं, जिन्हें चोपड़ा के नाम से कहा जाता है। यानी संत मावजी की भविष्यवाणी जो कुछ कलयुग में घटित होने वाली घटनाएं हैं, उसे उन्होंने ड्राइंग के माध्यम से अपने पेपर पर उतार दिया था। बहुत ही ज़्यादा सही और सटीक बैठने वाली संत मावजी की भविष्यवाणी में इन पंक्तियों के द्वारा उन्होंने निष्कलंक कल्कि अवतार के आने की भविष्यवाणी करीब आज से 300 साल पहले ही कर दी थी। यानी अपनी दिव्य दृष्टि के द्वारा उन्हें भी ज्ञात हो गया था कि संतों को सुख देने के लिए और पृथ्वी का भार कम करने के लिए आज पृथ्वी पीड़ित है, धरती माता आज पीड़ित हैं और चीख चीख कर कल्कि अवतार को विनती कर रही हैं कि हे कल्कि, हे निष्कलंक अवतार, हे प्रभु, मेरा भार अब कम करो, क्योंकि पाप के बोझ को सहते सहते, उसे ढोते ढोते मैं बहुत अधिक थक गई हूँ। और इसलिए चूँकि आज पापियों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, श्री हरि को कल्कि के रूप में आना पड़ा। लेकिन कल्कि को निष्कलंक देख लिया था संत मावजी ने अपनी दिव्य दृष्टि के द्वारा, तभी उन्होंने निष्कलंक अवतार की उन्हें उपाधि दी। सिख ग्रंथ उसमें भी कहा गया है कि कल्कि अवतार रहेंगे निष्कलंक। निष्कलंक यानी दोष रहित, जिसमें कोई दोष ना हो, जिसके चरित्र पर उंगली न उठाई जा सके, जिसका बिहेवियर ऐसा हो कि कहीं कोई त्रुटि नज़र न आए। यानी हर दोष से परे सर्वगुण संपन्न कल्कि अवतार जब इस धरा पर आज मौजूद हैं, तब उनके ही आँखों के सामने जब पापियों की संख्या और बढ़ती चली जा रही है, तब उन पापियों को खत्म करने के लिए श्री हरि के पास कल्कि से बेहतर विकल्प कोई नहीं बचा। और इसलिए धरती माता की पुकार सुनकर पूरे विश्व की रक्षा करने हेतु जो भी सनातन धर्म को मानने वाले हैं या जो धर्म के रास्ते पर, सही रास्ते पर चल रहे हैं, ऐसे सभी लोगों को, भले ही वो किसी भी जाति वर्ग समुदाय से हों, लेकिन मानव धर्म सर्वोपरि ये सिखलाने के लिए निष्कलंक कल्कि अवतार का आगमन हुआ है। यानी ह्यूमैनिटी का जो लेसन है वो सिखलाएंगे कल्कि अवतार आज इस युग में अपने एग्जाम्पल के द्वारा। घटनाएं कुछ ऐसी घटेंगी कि लोगों को मानना पड़ेगा कि ना हिंदू ना मुसलमान, ना सिख ना ईसाई, सबसे बड़ी है मानव जाति। यानी इंसान का जो धर्म है, इंसानियत का धर्म, आज इंसान जिसे भूल चुका है, वही धर्म असली धर्म है। यदि कोई भी आज सत्य से दूर जा रहा है तो उसे सत्य के नज़दीक लाना है, या अगर वो नहीं आना चाहता, नहीं समझता कल्कि अवतार के संदेश को, फिर उनका खात्मा करना है। क्योंकि जब जब असुरों की संख्या बढ़ी, तब तब श्री हरि ने एक नए अवतार के रूप में धर्म की स्थापना करने के लिए धरती पर आना स्वीकार किया। और जिस प्रकार हमेशा से ही उन्होंने अपने प्रॉमिस को फुलफिल करने के लिए इस धरती पर हमेशा अपना आगमन किया है, तो कलयुग में भी वो निष्कलंक अवतार के रूप में आए हैं, ताकि उनके जीवन के द्वारा लोगों को एक प्रेरणा मिल सके कि वास्तव में मानव जीवन कैसा होना चाहिए। सतयुग में वो आत्माएं प्रवेश करेंगी
जो स्वयं ही नर नारायण स्वरूप यानी देवी देवता तुल्य उनमें शक्तियाँ आ जाएंगी, जो डायरेक्ट माइंड टू माइंड कनेक्शन करके बातें कर सकती हैं। उन्हें मोबाइल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उन्हें किसी प्रकार के आज की एडवांस टेक्नोलॉजी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनके अंदर ही खुद इंटरनल पावर, सोल पावर, माइंड पावर इतनी ज़्यादा होगी कि उन्हें अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किसी और पर निर्भर होने की ज़रूरत रहेगी ही नहीं। तो संत मौजी की भविष्यवाणियों को आज के युग में जोड़कर देखा जा रहा है। जब कल्कि के बारे में लोग भविष्यवाणी करते हैं, कल्कि पुराण में भी कल्कि के बारे में बहुत सारी बातें कही गई हैं, लेकिन संत मावजी ने उन्हें जिस प्रकार निष्कलंक आज से 300 साल पहले ही घोषित कर दिया था, सोचिए कैसी थी उनकी वो दिव्य दृष्टि कि उन्होंने भी श्री हरि को निष्कलंक अवतार के रूप में अपनी आँखों के सामने देख लिया और उसी प्रकार को उन्होंने चित्रित कर दिया अपनी भविष्यवाणियों में। कहा जाता है कि उन्होंने मोबाइल जो आज आया है, जिसे हम लोग यूज़ कर रहे हैं, इसके लिए भी उन्होंने अपने भविष्यवाणियों में तार के द्वारा कहा था कि लोग एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। यानी आज मोबाइल, उसमें वायरलेस है मोबाइल आज का, लेकिन एक समय था जब हम लोगों के पास लैंडलाइन था, लेकिन उसके आगे जाकर अब वायरलेस यानी ज़रूरत ही नहीं हम लोगों को, लेकिन चार्ज करने के लिए आज भी हमें वायर की ज़रूरत पड़ती है। तो घर बैठे ही एक दूसरे के साथ कैसे संपर्क करेंगे 300 साल बाद, ये 300 साल पहले संत मावजी ने देख लिया था। आज अपराजय और दुष्टों का संहार करने के लिए ही जब कल्कि अवतार धरती पर आए हैं, तो कलयुग में ऐसा कोई नहीं जिनमें कोई ना कोई त्रुटि ना हो, जिसमें कोई ना कोई दोष ना हो, या जिस पर कोई ना कोई किसी कर्म के माध्यम से जो कलंकित ना हुआ हो, भले ही वो समाज में ना हुआ हो, लेकिन अपनी आत्मा के द्वारा अपने बुरे कर्मों के कारण वह निस्संदेह अपने आप को कलंकित ज़रूर मान लेगा। लेकिन निष्कलंक कल्कि अवतार का एक सिंगल कर्म भी कलयुग में ऐसा नहीं होगा जो उन्हें कलंकित करेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।